दोस्तों आज के समय में हर कोई, चाहे हम हो या आप, जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें सनातन धर्म में पापों की दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसे कि दोस्तों इस संसार में कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमारे पैरों तले दबकर मर जाते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है और हम अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। दोस्तों परमात्मा ने सभी जीवों को एक समान माना है, लेकिन दोस्तों वह हमारे द्वारा जाने अनजाने में मारे जाते हैं और इसका फल किसी न किसी प्रकार से हमें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सनातन धर्म में ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए कई ऐसी राह बताए गए हैं जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के पश्चम स्कंद में किया गया है, जिन्हें जानकर इन पापों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में जरा विस्तार से। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, रोजाना इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अनजाने में किए हुए पापों की मुक्ति के कुछ उपाय। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एक बार महाराज परीक्षित सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न करते हैं कि हे प्रभुवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, यदि कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, जैसे कि कई चींटी मर गईं, जब लोग श्वास लेते हैं तो उसके माध्यम से कई सूक्ष्म जीव जंतु प्रवेश करके मर जाते हैं, कई सूक्ष्म जीव जंतु लोगों को पैरों तले मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में कई ऐसे जीव होते हैं जो उस अग्नि में जलकर मर जाते हैं। तो इन सब पापों की मुक्ति का उपाय है भगवान? दोस्तों इसके जवाब में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को रोज इस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। कौन से वो योग हैं जानते हैं? दोस्तों महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को एक एक करने के लिए भी सोचना पड़ता है, ऐसे में आप प्रतिदिन 5 यज्ञ की बात कर रहे हैं जो कि मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता। आप कोई सरल उपाय बताइए महाराज। इसके जवाब में सुखदेव जी ने 5 यज्ञ के बारे में बताया। कौन से भी युग हैं आइए जानते हैं। दोस्तों प्रथम यज्ञ, चींटियों को भोजन दें। यहां दोस्तों प्रथम यज्ञ यह है कि हर रोज 10 से 20 ग्राम आटा अथवा चीनी चींटियों को देना चाहिए या फिर वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए जो कि चींटी आकर उन्हें खा लें। दूसरा युग, पशु पक्षियों को अन्न दें। दूसरा यज्ञ यह है कि पशु पक्षियों को रोज अन्न का दाना अथवा जल अवश्य खिलाएं एवं पिलाएं या फिर अपने छत के ऊपर बर्तन में जल अवश्य रखें। इससे पक्षियों को गर्मी के समय में जल की कमी ना हो, ताकि कोई भी पक्षी जल के कारण अपनी प्यास से प्राण ना त्याग दे। दोस्तों तीसरा यज्ञ, मछलियों को आटा दें। तीसरा यज्ञ है या है, राजन, जलाशय में मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य डालना चाहिए। और दोस्तों चौथा युग है, अग्नि को भोग लगाएं। दोस्तों अग्नि भोजन, तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से को चौथे यज्ञ के बारे में बताते हुए कहा कि हे राजन, घर में जब भी भोजन बने, भोजन बनने से पूर्व रोटी के टुकड़े में घी लगाकर उस अग्नि को भोग लगाना चाहिए जिस पर आप भोजन बना रहे हैं, इससे एक के समान ही फल मिलता है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, इन सब क्रियाओं को नित्य करने से हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उन सबका प्रायश्चित हो जाता है और हमें उनका कोई दोष नहीं लगता है और हमें इन सब पापों का फल भी नहीं भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही।
मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।